मैं धर्म के खेत्र में बहुत पोल्यूशन वेखता पाया, बहुत प्रदूषण वेखता पाया। दूसरा कोई उठे तो असं कहने साडे सिख पंथ की बेइज्जती होगी, साडे हिंदू धर्म की बेइज्जती होगी, पर आपो अपने पंथ दे विच असीं किन्नी किस्म की बेइज्जती करते, किन्नियां वंडियां पाईआं, उहदा कदे किसी ने चेता कीता? अज तक सिख पंथ यह फैसला नहीं कर सकिया कि श्री गुरु ग्रंथ साहब तां गुरु साहब होए, दसम ग्रंथ का की करना। सिखां दे पंज तख्तां विचों तीन तख्तां ते श्री गुरु ग्रंथ साहब का पाठ हुंदा, दो तख्तां ते श्री गुरु ग्रंथ साहब के नाल दसम ग्रंथ का पाठ हुंदा। अमृतसर श्री हरिमंदर साहब दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहब दे पूरा पाठ हुंदा, 1430 अंग पढ़े जाते, 1810-20 ते भोग पाया जाता। अकाल तख्त के उत्ते जाके मंदावनी ते भोग पाता जाता, अखीरला डेढ़ पेज डेढ़ अंग छड़ दिता जाता, कहिंदे जी रागमाला गुरु ग्रंथ साहब का हिस्सा नहीं। दोवां थावां ते श्रोमणी कमेटी का प्रबंध अज तक यह फैसला नहीं कर सके कि सरोवर के विचों निकल के बाहर आके 75 गज तक मर्यादा क्यों बदल जाती। असीं दूसरिआं नाल लड़दे पिछे जे दो संतां दा सिख संतां दा आपस में झगड़ा चल पिआ। एक संत नूं मैं आख्या, संत जी तुसीं इन्ना लोहे लाखे क्यों आउंदे हो, तुसीं इन्ने गुस्से च क्यों आउंदे हो? कदे कदे सोचिआ करो, ठरमा भी चाहीदा। कहिंदा गुरु साहब कहिंदे सी, इत मार्ग पैर त्रीजे सिर दीजे कान ना कीजे। मैं क्या उन्होंने आख्या सी सिद्धांत की लोड़ पवे, तो यह भी आख्या सी जब आव की औद निदान बने, अतही रण मैं तब जूझ मरो। पर आव की औद ते आवे, मौका बने उदों रण च जूझना के बगैर मौके तो जाके कंधा नाल लड़ना है। बगैर मौके तो क्यों लड़ते? कहिंदा असी मार्शल कौम होंने। मैं कहा गुरु ग्रंथ साहब नूं भी कदे कदे पढ़िया करो ना, लोगों नूं सिखाउण जोगा ही पढ़दे हो। भगत कबीर जी का शब्द है, कबीरा रोड़ा होए रो बाट का, तज मन का अभिमान, हर जन ऐसा चाहिए ताए मिले भगवान। राह दा रोड़ा बन जा, हर कोई तेनों ठुट मार के लंघे, इन्नी तेरे च हलीमी चाहिए। फिर कबीर जी ने आख्या जे गल नहीं बनी, कहिंदे रोड़ा हुआ तो क्या हुआ, पंथी को दुख दे, हर जन ऐसा चाहिए जो धरनी में खे। ये रोड़ा ते किसी का ठेडा वजा उहदे सट लवेगा, तू तो खे बन जा, लोग तेनों मिद के लंघ जाण। उहदे बाद फिर सोच के कहिंदे अजे गल नहीं बनी, खे हुई तो क्या भई, उड़ उड़ लंघे अंग, हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग, तू पानी वर्गा तो तू बन जा लोगों की मैल तो। इन्नी निर्माणता सी, तुसीं उह निर्माणता क्यों छड़ दित्ती? मैं पहला दस्या गुरु साहब कहिंदे सी जब लग दुनिया रहीए, नानक किश सुनीए, किश कहीए पहला सुनीए ते फिर कहीए। दुनिया के इतिहास में सिर्फ इको एक मिसाल है कि कुर्बानी देने वास्ते कोई महापुरश आनंदपुर साहब तो पैदल तुर के दिल्ली तक जाता है, तो जिहड़े महापुरश ने दिल्ली जाके कुरबानी दी, उन्हें सानू एक अकल भी दी सी। श्लोक महला नवा दे विच, भै काहू को देत नै नाहे पै मानत आन। पहली गल आ कि भै काहू को देत नै, असी किसी नूं डराउंदे नहीं, ते दूजी गल आखी कि जे कोई डरावे तो असीं डरदे डुरदे भी नहीं, वह गल बाद च आखी। पहली है कि असीं किसी नूं डराउंदे नहीं। तुसीं मैं कहा दबके क्यों मारदे? कदे कदे कुछ मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईआं तत, इहदा भी चेता रख लिया करो। मैं कदे कदे सोचदा असीं किस किस्म के माहौल विच आ। एक धार्मिक मामलों से अध्यात्मवाद से सैमीनार च उन्होंने मैनू भी बुला लिया, उत्थे एक साडे सज्जन ने विद्वान ने कहता, गुरु साहब ने जदों गुरबाणी सानू गुरु ग्रंथ साहब देता बाकी धर्म रद्द करते सन। मैं कहा नहीं किते सन, सानू उन्होंने कहा सी गुरु ग्रंथ साहब नू प्रगट गुरु की देह मान लियो, पर यह नहीं आख्या बाकी धर्म मैं रद्द कर चलिया। गुरु ग्रंथ साहब दे विच एक शब्द है, असी अखंड पाठ वेले पाठी सिंघा तो पढ़द्या तो सुन सकते हैं, जिदे विच लिखिया वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे, ना वेदा नू झूठे कहो, ना कतेब दा मतलब कुरान नू झूठे कहो। झूठा वो है, ये नहीं कि जिन्हें पढ़े नहीं, कहते झूठा जो ना विचारे, जिन्हें पढ़ के उहदे उत्ते विचार नहीं कीती, झूठा तो वो है, तुसी दूसरा नहीं झूठे क्यों कहने। उन्होंने दोवां धर्मां नू रद्द नहीं किया, धर्मां वालिआं नू अकल दित्ती सी। पंडित नू आख्या सी पंडित वेद विचार, पंडित मन का क्रोध निवार, पंडित पंडता तू वेदां दी विचार कर,
अपने मन का क्रोध निवार आ जिहड़े बाकियां नूं श्राप दिंदा मुड़ मुड़ के श्राप देने बंद कर। मुसलमान नूं कहा सी मुसलमान कहावण मुश्किल होए तो मुसलमान कहावे, पहला मुसलमान बनता लै, तू लोगों नूं मुसलमानी की सिखाएगा। हिंदू नूं कहा सी दया कपाह संतोख सूत जद गंढी सतवट, दया का कपाह होवे सबर संतोख का सूत होवे, जद दियां गंढा सत का वट होवे, दा मतलब एक चंगे करैक्टर का जनेऊ होवे ते ओ पा, ये जनेऊ जी का है ही तो पांडे का। मुसलमान नूं कहा सी मेहर मसीत ते सिदक मुसला हक हलाल कुरान, मेहरां दी मसीत विच जाया कर, सिदक दी चटाई विछा के नमाज पढ़िया कर, हक हलाल दी कमाई खा। इहदे नाल फिर अगली गल आखी सी सरम सुन्नत सील रोजा हो मुसलमान, जे तेरे पले अख दी शर्म हैगी ते तैनूं सुन्नत कराउण दी लोड़ कोई नहीं। उन्हां तुहानूं करैक्टर दीआं गल्लां दस्सियां सन, उह वी कदे सुणियां जी? कुछ थोड़ा बहुत सिखो। गुरु साहब ने अपने सेवकां नूं चेले ते भगत क्यों ना कहता, पैरोकार प्रेमी क्यों ना कहता, सिख क्यों आख्या? आ मेरे कोल गिलास पिया, दो चमचे उना इहदे च, मैं दो चमचे पा दियांगा, जे इहदे विच पूरा कंढे तक भरिया होवे मैं कुछ पा सकदा, एक चमचा भी पाया ते बाहर डिग पवेगा। गुरु साहब यह कहना चाहते सन मेरे सिख का मतलब है सिखा तो सिख, जो सिख सकता सिख, जिंदगी दी आखिरी वक्त तक आखिरी साह तक सिख, क्योंकि तू कदे भी परफेक्ट नहीं, ऊन तां ही फिर कितने ना कितने रह जाती है। साडे कोल कुछ लोगों नूं वहम है, वह दो चार शब्द पढ़ के समझ लेंदे मैं सिख गया। ज्ञान का समुंदर है, इस समुंदर च तुहानूं तारियां लाउणियां पैणियां।